हाँ तो दोस्तों, आज हम बताते हैं मेरे 8-bit के टॉप 10 फेवरेट गेम। ये मेरे फेवरेट हैं टॉप 10 गेम 8-bit के में। और तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सुपर मारियो ब्रदर्स 2, बहुत ही बढ़िया गेम। सुपर मारियो 2 बहुत मज़ा आता है इस गेम में। मैंने कई बार खेला है और कई बार कंप्लीट किया है। फिर आता है रोड फाइटर, ये भी बहुत ही बढ़िया रेसिंग का गेम है और बहुत ही मज़ा आता है। सब लोगों ने खेला ही होगा, बहुत फेवरेट रोड फाइटर। तीसरे नंबर पर है एडवेंचर आइलैंड 2। जबकि एडवेंचर आइलैंड की पूरी सीरीज़ है 1, 2, 3, 4, तो उनमें सबसे बेस्ट जो है वो है एडवेंचर आइलैंड 2। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने नहीं खेला तो ज़रूर खेलिए। ये जितने गेम मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 8-bit के में है आपके पास, तो उसमें कम से कम ये गेम 10 जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर खेलिए। अब फोर्थ नंबर पर है निंजा टर्टल 3 द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये भी बहुत ही बढ़िया गेम। निंजा टर्टल की पूरी सीरीज़ ही बहुत ही खेलने लायक है, लेकिन मुझे मेरा सबसे फेवरेट निंजा टर्टल गेम है वो है 3, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अगला है चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स। इसको मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया गेम है, मज़ा आ जाता है, ज़रूर खेलिए ये भी। और अगला है सुपर मारियो ब्रदर्स 3। इस गेम की तो क्या बात करें, हर कोई जानता है। 8-bit के एरा में सबसे बेस्ट गेम जो बनाए वो है सुपर मारियो 3, बहुत ही बढ़िया गेम। और ये है स्नो ब्रोस, ये भी बहुत बढ़िया गेम है। स्नो फेंक के गोले बनाए जाते हैं, वो फेंक के मारे हैं, और बहुत ही मज़ेदार गेम है। और अगला है डबल ड्रैगन 2। ये तो हर कोई जानता है, डबल ड्रैगन 2 बहुत ही फेमस गेम है। और ये है अगला इंटरनेशनल क्रिकेट, बहुत ही बढ़िया गेम। इंटरनेशनली क्रिकेट मतलब 90s का गेम है, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता है क्रिकेट वाले में। बहुत ही कम है, एक दो ही हैं जो 8-bit के में क्रिकेट वाले गेम बने होंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया। और अपने लास्ट वन पे है सुपर मारियो ब्रदर्स ओरिजिनल। इस गेम की तो क्या बात करें, ये गेम सबसे ज़्यादा बिकने वाला है 8-bit का। इसी गेम की वजह से 8-bit का गेम्स इतने सेल हुए थे, कॉन्सोल इतने सेल हुए थे, बंडल में आता था ये गेम। तो ये था अपना आखिरी, तो ये थे मेरे टॉप 10 फेवरेट 8-bit गेम्स। तो ये थे मेरे टॉप 10 फेवरेट 8-bit गेम्स। तो यही है, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।